मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज मौसम बिल्कुल साफ, धूप सुहावनी खिली हुई, ये आप नज़ारा देख ही सकते हैं। बर्फ का धूप के संग ये सूर्य देव से लदे हुए पेड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पूरा हिमाचल, आज आधा हिमाचल आज बर्फ की चादर ओढ़े हुए। प्रकृति आज बर्फ की चादर समेटे हुए अपने तन वदन में, देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दो दिन का ये कमाल बर्फ का, तो आज ये लेंटर भी साफ करने को है। बर्फ को पहले थोड़ी धूप पड़ने देते पहले, उसके बाद ये बहुत अच्छी खड़ी नीचे से, फिर हम इसको साफ करेंगे। दोस्तों धूप की वजह से आंखें चौंधिया सी गई है, खुल नहीं रही प्रॉपरली। तो हम कर रहे हैं अब ये लेंटर साफ। ये देखिए यहाँ से शुरुआत की हमने, तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है लेंटर को साफ करने में। अभी टाइम हुए 9:40, तो देखते हैं कितनी देर में साफ हो पाता है। इतनी सफाई हो चुकी है तो, और बाकी अभी करनी रह गई तो इसे भी करते हैं।
दोस्तों लेंटर हो चुका है साहब, मोटी मोटी सफाई हो चुकी है। एक बार हम फिर चपलंदी की ओर जाते हुए, ये देखिए आज मौसम सुहावना, अभी तक धूप खिली थी, अभी बादल आ गए तो चपलंदी धर में अभी धूप खिली हुई। चपलंदी धार आगे ये चपलंदी धार का शानदार नजारा। दोस्तों ये चपलंदी धार देवता श्री नागचंदु की पुण्यस्थली, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, साथ में नागा स्टेडियम, मनमोहक नज़ारा, पेड़ बर्फ से लदे हुए, ये हमारे फुनसुक वांगडू बैठे हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।